हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विथ रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की बर्फी की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान होती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी। आप इस त्योहार इस बेसन की बर्फी को जरूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है बेसन की बर्फी। बेसन की बर्फी बनाने के लिए 2 कप बेसन लिया है मैंने, 1 कप चीनी ली है, 1 कप घी लिया है, 1/2 कप पानी लिया है और 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप इसकी माप कटोरी से भी कर सकते हैं। अगर आप 2 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी घी। अब हम चाशनी बना लेते हैं बर्फी के लिए। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है और पानी डाल दिया है और हमें बस चीनी घुल जाने तक इसको पकाना है। बस चीनी हमारी घुल चुकी है, चाशनी हमारी तैयार है। अब हम एक पैन रखेंगे और पैन में अब हम अपना घी ऐड कर देंगे और हम अपना बेसन डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पर इसका कलर चेंज होने तक इसको हम भूनेंगे लगातार चलाते हुए। जब तक इसका कलर चेंज होगा तब तक हम इसको भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको हम इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। बस इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें चाशनी ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखी थी। चाशनी ऐड करते ही ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको लगातार चलाते रहिए और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। इसको हम इसी तरीके से कुछ देर और चलाएंगे जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे नहीं आ जाता। बस ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ चुका है, ये हमारा मिक्सर कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे प्लेट में और जो हमारा मिक्सचर है इसमें हम डाल के इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसको चम्मच से इस तरीके से स्मूथ कर देंगे और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ काजू लिए हैं जो बारीक कट कर लिए थे और 2-3 बादाम लिए हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स ना डालें, ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ड्राई फ्रूट्स इससे कि इसी में सेट हो जाएं। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब इस ठंडा हो जाएगा तब इसके पीस कट करेंगे। इसको हल्का सा गर्म ही रखेंगे, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे, तभी हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने आराम से इसके पीसेस कट रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी सॉफ्ट हमारी बेसन की बर्फी बनकर के तैयार हुई है। कुल मार्केट स्टाइल बर्फी हमारी बनकर के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है और काफी आराम से इजी से ये प्लेट से निकल भी जा रही है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारी बेसन की बर्फी बनकर तैयार हुई है। आप इस त्योहार इस बर्फी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।